अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर में दिलचस्पी दिखाने से भी इनकार करने वाले रूस ने अब बड़ी मजबूती के साथ आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। दरअसल पाक और रूस की बढ़ती नजदीकियों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। रूस ने पहले आधिकारिक तौर पर CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं रखने का ऐलान किया था, लेकिन रूस ने यू टर्न मारते हुए अब न सिर्फ आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है बल्कि अपने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट को CPEC के साथ जोड़ने की बात भी कही है। रूस के राजदूत एलेक्सी वाई देदोव ने कहा कि रूस CPEC का मजबूती से समर्थन करता है क्योंकि यह न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि इससे क्षेत्रीय संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। CPEC पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर और चीन के जिनजियांग को जोड़ेगा। यह कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके से गुजरता है जिस पर भारत अपना दावा करता आया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एतराज जता चुके हैं। आपको बता दें कि चीन अरब सागर में अपनी पैठ बनाना चाहता है और इसी के चलते अगर पाक चीन आर्थिक गलियारा बन जाता है तो ग्वादर पोर्ट पर नेवी ठिकाना होने से चीन अपने बेड़े की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल आसानी से कर सकेगा। ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने वाले रूस का यह रुख वाकई हैरान करने वाला है। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।